अनुग्रह से हम नई सृष्टि को पाया है। कैसे पाया है? अनुग्रह से। तो अनुग्रह कैसे आया करके इस महत्वपूर्ण वचन है, काफी बार हम लोग इसको पढ़ा है। समझने के लिए पवित्र आत्मा आज और एक बार एक फ्रेश रेवलेशन प्रकाशन हमें इस वचन से मिलने के लिए हम चाहते हैं। तो एक ही व्यक्ति है और दूसरा एक व्यक्ति है। कौन कौन है? एक व्यक्ति आदम है, दूसरा एक व्यक्ति यीशु मसीह है। तो दो व्यक्ति के द्वारा इतिहास में एक बड़ा एक परिणाम हुआ है, एक प्रभाव हुआ है। और दोनों व्यक्ति का साथ आपका जीवन को कोई भी तरीके से जुड़ा हुआ होगा। अगर हम विश्वासी है, हमारा जीवन बचपन से आदम के साथ जुड़े हुए हैं, जन्म से ही। जैसे जन्म से पापी है, जन्म से हम लोग आदम का ही बच्चे हैं। तो उसका आज्ञा न मानने से जो परिणाम है, मृत्यु है, श्राप है, हरावट है, जिसमें जीवन नहीं है, जय नहीं है, चंगाई नहीं है, पवित्रता नहीं है, कुछ भी, सारे माइनस वाला मामला सब आदम के द्वारा हम लोग पा लिए हैं। राज्य किया, मृत्यु राज्य किया। अभी भी दुनिया वालों के लिए मृत्यु एक बड़ा एक खतरनाक है। शायद कोई लोग उसको बड़ा रहे, मैं नहीं डरता, लेकिन जिस दिन डरने के जा रहे हैं और मरने के जा रहे हैं, उस दिन तो उनका अंधेरा उसके ऊपर छा जाता है। बड़े नास्तिक लोग होंगे, मृत्यु के बाद जीवन को विश्वास भी नहीं करते होंगे, लेकिन मृत्यु जो अविश्वासी लोगों के लिए एक राजा है ना, इसलिए हिंदू लोग बोलते हैं हम राजा ऐसा करके लोग बोलते हैं ना, उसका राजा बोलते हैं लोग हाँ। और उनका आइडिया है कि उस राजा से कोई बच गए नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हमारा महाराजा राजाओं का राजा है। कोई भी राजा क्यों ना हो, मृत्यु का वो लोग नाम दे दिए एक राजा करके, लेकिन मृत्यु राज्य किया, अभी भी राज्य कर रहा है। लेकिन हमारा संबंध, हमारा ताल्लुक है दूसरा आदम, कहते हैं जीवनदायक आत्मा। कुरिन्थियों में लेकर दूसरा आदम क्या है? जीवनदायक, जीवन प्रदान किया, वो मृत्यु को प्रदान किया। पुराना मनुष्य तो पुराना जीवन में हम लोग का जीव अंदर में मृत्यु आ गए, आदम के द्वारा मृत्यु आ गए। यह नया सृष्टि में, नई सृष्टि में यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर जीवन आ गया। क्या आ गया? जीवन, मसीह का जीवन हमारे में आ गया है। वो प्राण उंडेल दिया, हम गाना में गाते हैं, प्राण उंडेल दिया मौत के लिए ताकि जीवन हमें, वो अपना जीवन उंडेल कर हमारे अंदर जीवन की रोटी को खिला दिया। तो दो इतिहास की घटना है, एक आदम का है जिसका भी हमारा ताल्लुक है। जब विश्वासी बन जाते हैं, हम इस आदम से जुड़ जाते हैं, उस आदम से हम खट को हो जाते हैं, खट, उस आदम से खट। यहां जाइन होते हैं, वहां बोलते हैं हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवित रहेंगे। वैसे बार बार कहते हैं समझो, तुम समझो कि पापों के लिए मर गए, धार्मिकता के लिए जीवित समझो। ये जो घटना है, यीशु मसीह का बलिदान है, उसके मृत्यु और पुनरुत्थान, उसके कारण, उसका आज्ञाकारिता के कारण उसने पेपर पास किया, उसने 100% मार्क लिया। आदम ने फेल मार्क लिया, आदम का फेल मार्क हमारे ऊपर आ गए। हमने आदम का कॉपी भी नहीं किया, आदम हमसे पूछा भी नहीं, आदम जब तक किया हमको पता भी, इसमें हमारा कोई जिम्मेदारी हाथ नहीं है। तो कभी कभी अन्याय जैसे आपको लगेगा, अरे अन्याय क्या है, वो उसने किया, उसमें मेरे को भुगतना पड़ रहा है, उसके संतान होने के नाते हमें
जैसा माँ बाप कर्जा लेके मर जाएंगे तो क्या होगा, बच्चों लोग के ऊपर आ जाते, वैसे ही आ गए, लीगली आ गए। लेकिन परमेश्वर क्या किया, इसको ठीक करने के लिए दूसरा ये काम किए। और कहते हैं अनुग्रह का जो प्रभाव है, हमेशा लोगों के मन में ये होते हैं, अरे अनुग्रह का प्रभाव तो कम है या पापों के प्रभाव बहुत ज्यादा है। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे अनुग्रह का प्रभाव पापों के प्रभाव से कई गुणा ज्यादा है। यहीं पर याद है यीशु मसीह के द्वारा परमपिता ने हमारे अंदर जीवन को प्रदान किए, वो जीवन में इतना सामर्थ्य है, वो पापों के द्वारा या मृत्यु के सामर्थ्य से कई गुणा बड़ा है, वो नेगेटिव से भी बहुत बड़ा, उसका कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। हम इस चीज को याद रखना चाहिए, हमारा जो है नई सृष्टि का आरंभ इसी से हुआ। तो यहीं पर पढ़ लेते हैं, वो उसका 13वां वचन पढ़िए, 5:13। नहीं सॉरी 15 वचन में, जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाय से हुआ। अधिकाय से हुआ भाई, उसके उसके जैसे नहीं, उससे बड़ा ये अनुग्रह का प्रभाव बड़ा है, सामर्थ्य है उसका। अगर आदम से इतना परेशान हो गए हैं, उसमें हमें सौभाग्य नहीं थे, लेकिन हम संतान थे इसलिए हमारे ऊपर आ गए, मृत्यु आ गए, हरावट आ गए, पाप आ गए, श्राप आ गए, इसमें से हम कैसे निकलेंगे? एक ही जुगाड़ है, इस संतान में आत्मिक जीवन, आत्मिक नए सिरे से जन्म लेकर यीशु मसीह से जिस दिन हम जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर अनुग्रह का सामर्थ, जीवन के सामर्थ काम कर रहा है। और लिख रहे हैं हमारे लिए धार्मिकता की दान क्या मिल गया है, धार्मिकता का दान, गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड अबंडेंस ऑफ गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, ये दो बहुत जरूरत है। अनुग्रह के वरदान बहुत बड़ा है और धर्मरूपी वरदान गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस वो भी बहुत आज से है। मतलब जैसा आदम ने किए हमने नहीं किए, हमारे ऊपर आ गए, वैसे यीशु मसीह ने किया, यीशु मसीह ने आज्ञाकारी रहा, मैंने नहीं किया, उसका धार्मिकता मेरे में क्रेडिटेड, उसने मेरे लिए किया, आदम ने किया उसके खातिर मेरे ऊपर पाप आ गए, मृत्यु आ गए और मृत्यु ऊपर राज्य किया, उसके डर के बंधन में सब लोग पड़े फंसे हुए थे, जिस दिन यीशु मसीह आया उसने हमारे लिए जो भी आज्ञाकारी हुआ 100% सारे जो 10 आज्ञा कितने क्यों ना हो, 600+ वो सारे आज्ञा क्यों ना हो, एक बिंदु एक छोटा से भी उसने उल्लंघन नहीं किए, सब बातों को पिता के सामने पूरा करके निर्दोष बलि चढ़ाए, सौ का सौ मार्क उसने लिया। और मालूम है जब यीशु मसीह ने सौ का सौ मार्क लिया, उस समय में पूरा परिस्थिति पूरा विपरीत परिस्थिति था, लेकिन आदम ने सौ का जीरो मार्क लिया, उस समय में सब अनुकूल परिस्थिति, उसी में उसने फेल मार्क लिए, लेकिन एकदम विपरीत परिस्थिति में यीशु मसीह ने एकदम सौ मार्क लिए। और क्यों लिए मालूम है, हमको दिलाने के लिए, गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, धर्म रूपी वरदान हमें दिया जा रहा है यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा, पिता की आज्ञा मानने के कारण उसका एक प्रभाव है। वही लिख रहे एक व्यक्ति का आज्ञा को तोड़ने से दंड आज्ञा आया,
न्याय विधि आया, वैसे एक व्यक्ति का धार्मिकता से जीवन मिला, वो भी तो सही है भाई। इक्वेशंस बैलेंस कर रहा है, जैसे केमिस्ट्री में इक्वेशंस बैलेंस करते हैं, केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स में, यहां पर पॉलस भी मैथमेटिशियन लग रहा है, बोल रहे है सबको तुलना करके अल्टीमेटली बोल रहे ग्रेस ही बड़ा है भाई, प्रूव कर दिया उसने ग्रेस का ही सामर्थ्य ज्यादा, क्योंकि उसने अनुभव किया ग्रेस को। जो अनुभव किए वो लोग हमेशा ग्रेस का तारीफ करते, अनुग्रह का तारीफ करेंगे, अनुग्रह को दूसरों को देने में वो लोग हिचकिचाएंगे नहीं, अनुग्रह को पाए हुए लोग ही अनुग्रह को दे पाएंगे, वही लोग अनुग्रह को तारीफ करेंगे, वही लोग अनुग्रह के लिए शुक्रगुजार ही रहेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर कैसे आया है वही समझना है, तो रोमियों को 5 का बार बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा एक दिन की एक बाइबल स्टडी में सब समझ में नहीं आता, हम भी समझने के लिए बार बार हम पढ़ते हैं, दूसरे प्रीचर से भी हम सुनते हैं क्या कह रहे हैं, इसका अर्ध आत्मिक अर्ध प्रभु जी मुझे समझाइए, मुझे तो लग रहा है पापों की प्रभाव बहुत ज्यादा लग रहा है प्रभु जी, काफी लोग फंसे हुए हैं नरक की ओर जा रहे हैं, भले मान नहीं रहे लेकिन मृत्यु के बाद। अभी एक स्टोरी सिस्टर जी मेरे से बता रहे रास्ता, एक आदमी मान नहीं रहे थे लेकिन मर गया था उसका आत्मा नरक की ओर देख रहा, अरे मैं तो मान नहीं रहा था मृत्यु के बाद कोई जीवन, लेकिन लोग बोल रहे थे सही है यार, लेकिन बाद में कैसे भी बच गया, वो स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रास्ता में हम आ गए। तो देखो दुनिया वाले कितने भी घमंड करें कितने भी करें, मृत्यु के बाद उन लोगों का बहुत खतरनाक हाल है। आपके बारे में आप धन्य समझ लो, आपके पास धार्मिकता के वरदान मिल गए, अनुग्रह का वरदान बहुत ऐसे मिल गए, यही जिंदगी भर याद रखना, यही सोते से जीवन भर पानी बढ़ते रहना उमड़ते रहेगा, जीवन जल के झरना बहते रहेगा, अनुग्रह का कमी नहीं, वो खाता में कभी भी बैलेंस जीरो नहीं होगी, विड्रा करते रहोगे वहां पर खाता 100 रुपया विड्रा किए तो वो कैसे रहेगा आपके, अगर 1000 रुपया आ रहे हैं। एलिया का कहानी मालूम आप लोग, विधवा की कहानी, क्या करता है वो तेल और आटा, हाँ मालूम है ना कितनी साल सारी बात का, तो निकालते जा रहे हैं, तमिल में बोलते हैं अमूद सुरभि, हम लोग पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसे एक बर्तन है जिसमें आता रहेगा। तो वैसे अनुग्रह का जो है धर्मरूपी वरदान गिफ्ट है, धार्मिकता को कमा नहीं पाएंगे, धार्मिकता को हम बेच भी नहीं पाएंगे, धार्मिकता को अचीवमेंट नहीं है, कभी भी अचीवमेंट नहीं है, अनुग्रह अचीवमेंट नहीं है, यू कैनॉट अचीव, यू कैनॉट अर्न, आप कमा नहीं पाएंगे, आप उसको प्राप्त करने के लिए कुछ अपना परफॉर्मेंस बेसिस में नहीं है। कंपनी में होता है परफॉर्मेंस बेस, इतना सैलरी, परफॉर्मेंस वाला भी एक आजकल स्टार्ट कर दें, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस से ज्यादा बास को थोड़ा मकन लगा के रखना पड़ेगा, कभी कभी बास के साथ हमारा कुछ टक्कर हो गए, हमारा 1-2 लाख का नुकसान कर सकते हैं, जैसा हुआ भी है मेरे साथ, लेकिन मेरे लिए उसके बजाय बहुत ज्यादा फायदा मेरे को VRS के द्वारा प्रभु ने दिला दिया, क्योंकि वो मसीह विरोधी आदमी था, वो मेरे को नफरत करता था। ठीक है, सब भलाई के लिए होते हैं, जिसके ऊपर अनुग्रह छाया करेगा उसके ऊपर कितना भी पत्थर फेंको वो अनुग्रह का बादल उसको क्या करेगा, उसको भलाई में बदल देगा। आप समझ लो मैं अनुग्रह के बादल में हूं, मेरे ऊपर धार्मिकता निवास कर रहा, मेरे ऊपर धार्मिकता राज्य कर रहा, मेरे ऊपर जीवन राज्य कर रहा अनुग्रह में। देखो अनुग्रह यहां लिख रहे है, अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा राज्य करेगा, द ग्रेस, आपके पास ग्रेस है, लेकिन क्यों हम राज्य नहीं कर पा रहे, हम नहीं समझ रहे अनुग्रह का राज्य करने का एक अधिकार है धार्मिकता से होती है। यहीं पर लास्ट वचन पढ़ सकते हैं कैसे राज्य कर रहा है, 21 आई थिंक 21वां वचन, वैसा ही हमारे यीशु मसीह
धर्मी ठहराते हुए आपका धार्मिकता के महसूस आपको राजा बनाएगा। अनुग्रह आपको राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन अनुग्रह को आप लोग गलत समझ लेते हैं कि उसको आप राज्य करना नहीं पा रहे। राज्य करना मतलब क्या? पापों के भगा दोगे, बीमारियों को भगा दोगे, नफरत की आत्मा को भगा दोगे, भेदभाव को भगा दोगे, यही विजयवान जीवन है। किसी का आत्मा तोड़ना विजयवान जीवन है, वो दुनिया वालों के लिए। हमारा विजयवान जीवन पर्सनल लाइफ में मसीह जैसे जीना ही विजयवान जीवन। कैसे? यीशु जैसे जीना, दैट इज अ ट्रू सक्सेस। ये हम युद्ध कैंप में ये भी हम प्रचार सुनने वाले हैं। प्लस 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 सब बातों में प्लस। कैसे? अनुग्रह है, अनुग्रह, अनुग्रह कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। और कैसे? धार्मिकता के साथ राज्य करेगा। ये सब इक्वेशंस है। कभी कभी क्या है, लोगों को परमेश्वर की काम करने का तरीका मालूम नहीं है। सिंसियर लोग है, हमारा एक बहन सिंसियर है, रोती है, प्रार्थना भी करती है, बाद में वो सोचती है प्रभु कब कब करेंगे। पास्टर जी थोड़ा ज्यादा जोर लगा के प्रार्थना कीजिए ना। कैसे? ज्यादा जोर लगाइए, कम से कम प्रभु का दिल थोड़ा पिघल जावे। प्रभु का दिल तो पहले से पिघला हुआ है, वो रो रहा है, बोल रहे मैं बेटा मैंने उन लोगों का अनुग्रह दिया, मैंने धर्म रूपी वरदान दिया, मैंने उनको जीवन दिया राज्य करने के लिए। इस बात को नहीं समझ रहे हैं, अपना धर्मी ठहराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा प्रार्थना करके प्रभु सुन लेंगे, ज्यादा उपवास करके प्रभु सुन लेंगे। नो, अनुग्रह प्लस धार्मिकता फ्रीली यीशु मसीह में मिल गया, उसने मेरे पापों को ले लिया। जैसा हम कुरिन्थी में पढ़े थे, जैसा प्रभु को कैसे पापी ठहरा गए, बिना पाप से वो पापी ठहरा गए, वैसे हम भी बिना धार्मिकता से हम भी धर्मी। हमारा फेल मार्क जीरो मार्क, उनका हंड्रेड मार्क हमारा में डाल गया, हमारा फेल मार्क उसके ऊपर आ गया। यही एक्सचेंज ऑन द क्रॉस, क्रूस पर हुआ लेन देन। वही गाना भी हम गाए थे, बह रही है आज अनुग्रह की नदी, वही लेन देन का ही एक एक चैप्टर वहां पर आएगा, एक एक स्टैंसा। अनुग्रह राज्य करेगा जीवन में, राज्य करे इस जीवन में। कुछ लोगों के अंदर ये भावना है स्वर्ग चला जाएंगे, हम राज्य करेंगे, तब तक थोड़ा यहां पर सब जल लेते हैं। नो, अनुग्रह जीवन प्लस धार्मिकता इज इक्वल टू विक्टरी इन दिस लाइफ, इस जीवन में, इस जीवन में राज्य करें। हिंदी में ट्रांसलेशन गलत है, बोलते अनंत जीवन में राज्य करें, कहे कि नहीं ऐसे है ना सत्र में। गुजरात में सही हो, गुजरात में पढ़ो ना, गुजरात में पढ़ो, सब हिंदी सर हिंदी पढ़ो और एक बार पढ़ो, तेलुगु में पढ़ के देखो कैसे लिखा, तेलुगु लाएंगे, तेलुगु नहीं पढ़ते। रोमन्स 5:17-17 इस जीवन में ना, क्या मीनिंग आया इसमें? राज्य करेंगे इस जीवन में, ऐसा आया है ये लाइफ में आया, आने वाला लाइफ में आया, क्या लिखा उस? हाँ वही सही, तो हिंदी का ही थोड़ा मिस्टेक। अनंत जीवन में राज्य करेंगे बोल रहे हैं। नो, हाँ अनंत जीवन में तो आए, लेकिन यह वचन का मीनिंग है, हम अगर अनुग्रह को स्वीकार करेंगे,
वो धार्मिकता के आधार पर हम विश्वास में रहेंगे, हम हमेशा इस के ऊपर निर्भर रहेंगे, तो उसका जीवन हमारे अंदर कार्य कर रहा है, मसीह मुझ में है, उसका धार्मिकता मुझ में है, उसका प्रेम मुझ में है, उसने मुझे सेन में धर्मी ठहराया फ्रीली फ्रीली, धार्मिकता मिल गया है, यीशु तू बना मेरी धार्मिकता, वही बन गए, वही हमारे ऊपर क्रेडिट हो गए, हमारा खाता में जमा हो गए। तो पास्टर जी मुझे कुछ करना नहीं, क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लेवल में दूसरे लोगों के साथ आपके गवाही होना चाहिए, वर्टिकल आपका मसीह के साथ जो संबंध का प्रभाव बाहर दिखना, इसके लिए हम सही व्यवहार करने के लिए, वो भी प्रभु के साथ हमारा दृष्टि को बराबर करेंगे तभी वो भी सही रहेगा। इस ग्रेस टीचिंग में मेन मुद्दा है राइचियसनेस, गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। गिफ्ट मतलब बर्थडे में पार्टी में आप बुलाए, मैं गया, आपको मैं कुछ गिफ्ट लेकर आया, सपोज आप पूछेंगे, मैं पूछूंगा आपसे, सॉरी आपको दे रहा, आप पूछ रहे हैं अंकल कितना रुपया देना है, गिफ्ट है फिर वो, तो गिफ्ट नहीं होता है ना फिर। गिफ्ट मतलब फ्रीली होता, गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस हमारा राइचियसनेस नहीं है, कोई भी हालत में हमारा राइचियसनेस वहां पर चलेगा ही नहीं, जरूर हमें धर्म के काम करना है। नई सृष्टि का अंदर वो कैपेसिटी है, करने के लिए ताकत दिया जा रहा है, लेकिन हमेशा परमेश्वर के सामने मेरा एक्सेप्टेंस, मेरा अप्रूवल, मेरा जो प्रभु का तरफ मेरा संबंध इसी से बनते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह का लहू को देखते हुए मेरे लिए स्वीकार करते हैं, आज भी मध्यस्थिति के लिए यीशु मसीह अपना पवित्र लहू को लेकर गए हैं, कभी भी क्लॉटिंग नहीं होते हैं, उस लहू में जीवन है, मेरे लिए बातें कर रहा है, अभी भी बातें कर रहे हैं, वो ये बातें कर रहे हैं, इसके लिए मैंने लहू बहाया, इसके खातिर उसको स्वीकार करो पिताजी। हमेशा भूमि आठ में भी यही बता रहे, मध्यस्थिति वही कर रहा है, वही हमारे लिए मरा, वो जीवित भी वही हुआ, वही पिता की दाइनोर बैठे है, वही हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे है, कौन हमें दोष लगा पाएंगे? देखो जरूर हम रिपेंटेंस का भी हम प्रचार कर रहे हैं, वो भी जरूरी है, रिपेंटेंस का भी मीनिंग मैं बताऊं, टर्निंग अवे फ्रॉम माय ओन रिचेसनेस टू गॉड्स रिचेसनेस। समझ में आ गए? मन फिराव का मतलब क्या है पास्टर जी? फिर दारू वारू छोड़ना नहीं क्या? हाँ दारू पीते रहो? नहीं भाई, फाउंडेशन में ले कर रहा हूं, अपना खुद की धार्मिकता से मोड़कर परमेश्वर जो दे रहे हैं क्रूस के बलिदान के द्वारा, उस धार्मिकता को स्वीकार करूंगा, यही सच्चाई मन फिराओगे। अपने साबित करने के लिए कोशिश मत करना। कुछ लोग रोमन स्टैंड का 3 पढ़िए, उसमें बता रहे हैं वो लोगों ने परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर पाए। हाँ रोमन स्टैंड 3 आदिन नहीं हुए। देखो आदिन नहीं हुए, उसको नहीं माना, बोला नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, ये पेपर नहीं चाहिए, हम कोशिश करेंगे, भले 0 मार्क है, हम वर्कआउट करेंगे, और भी थोड़ा उपवास करेंगे, और भी थोड़ा हम लोग स्ट्रिक्ट कंट्रोल करेंगे बॉडी को करके मार्क ले लेंगे। ज्ञान नहीं है उनको, दून है, दून है, ज्ञान नहीं है। आज कितने सारे दूसरे धर्म वालों को तो है, लेकिन हमारा क्रिश्चियंस में भी कुछ लोग दून से रहेंगे। हाँ हमारा संस्था, हमारा कलेसी, हमारा हमारा नियम, लेकिन इसमें ज्ञान नहीं, यही तो पूरा बता रहे। दूसरा वचन पढ़िए 10:2 बुद्धिमानी के साथ नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, बहुत धून से रहेंगे। कल मैथ परीक्षा है, धून से पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़
बहुत जबरदस्त पढ़ रहे हैं, 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, लेकिन कल एग्जाम कौन सा था? मैथ में, लेकिन पढ़ रहे हैं। झके बोले कितना पढ़ा था यार, कितना पढ़ा। यहाँ यीशु मसीह का धार्मिकता का छोड़कर मेरा भी धार्मिकता को मैं दे दूं आपको, वो भी चलेगा? 45 ईयर्स प्रभु के साथ जीवन गुजार रहा हूं, ऐसा नहीं मैं व्यभिचार कर रहा हूं, ऐसा नहीं मैं किसी का पैसा चुरा रहा हूं, ऐसा नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बेईमानदारी रह रहा हूं, नहीं रह रहा हूं। मेरे तरफ से मेरे मिसिस भी गवाही है, प्रभु के सामने निर्दोष रहता हूं जितना हो सकेगा, फिर भी 100% मैं परफेक्ट कोई भी नहीं। होते रहेंगे धीरे धीरे, 90, 91, 92, 99.999 जितने भी है, प्रभु के आगमन में 100% सब लोग। तो किसी मनुष्य का धार्मिकता के आधार पर हमारा एक्सेप्टेंस नहीं है, यही मैं समझाना चाहता हूं। ये रोमियो के वचन को बताने का मतलब है, नई क्रिएशन का मेन मुद्दा है, आपको परमेश्वर ने स्वीकार किया यीशु मसीह के खातिर। अब एक आदमी लिखा है, मैं आया हूं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। किसका वचन है? यीशु मसीह का वचन है, पिता से कह रहा है। इसका भी देखो मिस्र प्रेजेंटेशन करके यीशु जी आगे आपका जो भी चाहिए कर देंगे। वचन को भी लोग गलत, ठीक है आपका इच्छा प्रभु पूरा करेंगे, उसके लिए दूसरा काव्य वचन है, लेकिन इसमें वचन मेन मुद्दा है आपके लिए, मतलब परमेश्वर पिता की इच्छा पूरा करने के लिए यीशु मसीह आए हैं, एक पवित्र बलिदान चढ़ाने के लिए आए हैं, उस पवित्र बलिदान से हम सबको शुद्ध करने के लिए आए हैं, वही एक ही मात्र बलिदान है पिता के सैटिस्फाई कर पाएंगे, वही करने के लिए आए, उसी से हम शुद्ध हो गए, उसी से हम सिद्ध हो गए। इब्रानी 10 में बोल रहे हैं, 10 में पवित्र किए गए इस एक ही बलिदान से, उसी से धर्मी गिना जाएगा। मेरे बच्चे लोग, किसी का धार्मिकता नहीं है, हम 5 पीढ़ी से क्रिस्ती है, बंद करो ऐसे बकवास को। पापा क्रिस्ती होगा तभी हम क्रिस्ती नहीं बनते। हमारा धार्मिकता खुद का भी नहीं है, माँ बाप का भी नहीं है, आदम को तो आए नहीं। आदम की वजह से तो पापी था हमको मिला, तो माँ बाप से भी पापी हमको मिल गए, बीच में तो पाप है, पाप से जन्म हुए, उस पुराना मनुष्यत्व को उतार दिया हम लोग, नया मनुष्यत्व को हम पहन लिए, जो अनुग्रह पर निर्भर, यीशु मसीह का धार्मिकता पर निर्भर, उस जीवन से जुड़े हुए हैं, उस जीवन ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया, लिख रहे जीवन ने मृत्यु को निगल लिया, फाइनल विक्टरी वही है, टोटल डेमोलिशन, टोटली डेमोलिश करेंगे जीवन। अभी भी जीवन इतना जबरदस्त है, अल्टीमेट विक्टरी जब हम पता चलेंगे मृत्यु को जीवन ने निगल लिया। यस, डेथ विल बी स्वॉलोड अप बाय लाइफ इन विक्टरी। पहले कर दी 15 में बोल, जीवन, क्योंकि परमेश्वर का जीवन है, ये कि John 1:4 में बोल रहे उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था, वो ज्योति अंधकार में चमक रही है, अंधकार ने उसको स्वीकार, उसमें जीवन था, उस जीवन, जीवनदायक आत्मा। पहला आदम मृत्यु को लाया, दूसरे आदम जीवन को लाया, जीवन में राज्य करोगे। मेरे भाई बहन बच्चे लोग, आपको जीवन में राज्य करना, कैसे? अनुग्रह को, ग्रेस प्लस राइचियसनेस इज इक्वल टू लाइफ एंड विक्टरी। लाइफ, विजयवंत की जीवन कैसे होती है? प्रार्थना का जवाब कैसे होगी? पास्टर जी, मैं 2 घंटा प्रार्थना करके देखा, लग रहा है प्रभु हिल नहीं रहे हैं, थोड़ा 10 लोग और थोड़ा मिल करके, थोड़ा और भी थोड़ा जोर लगा देते, थोड़ा से प्रभु हिल जाएंगे। पहले से प्रभु हिल गए हैं क्रूस के बलिदान के द्वारा, हमारा तरफ शैतान को भी हिला दिए हैं, हमारा मृत्यु दंड, हमारा सारे विरोध की भावना को हिला दिए, क्रूस पर किलो से ठोककर सामने से हटा दिए, कुल्लम कुल्ला तमाशा बना दिए, क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मेरे बच्चों लोग,
आपको राइचियसनेस का अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं आएगा, आप जीवन में जीवन जीवन नहीं बिताए, हमेशा आपका मन दोषित लगाते रहेगा, बोलेगा आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने पढ़ा नहीं, आज प्रार्थना करो, अच्छा से बाइबल पढ़ो, अच्छा से क्यों, ये समझने के लिए, आपके बैंक खाता को देखने के लिए, आपके लिए दिया गया इम्प्यूटेड राइचियसनेस, इम्प्यूटेड बोलते वो आपके खाता में जमा हो रहा है, इम्प्यूटेड आपके लिए गिन लिया जाता है, गिना जाता है कि आपके लिए है, आपके लिए उपलब्ध है। आप बोलेंगे नो थैंक्स, मैं कोशिश करता हूं, कोशिश करते करते फेल हो जाओगे, भरोसा करते जीत जाओगे, क्या चाहिए, भरोसा करके ट्रस्ट एंड ट्रायंफ, डोंट ट्राई 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 एंड फेल। दुनिया में बोलेंगे ट्राई 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 ट्राई, वन डे यू विल सक्सीड, आई टेल यू ट्राई 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 यू विल फेल, यू विल फेल, यू विल कीप ऑन फेलिंग, यू ट्रस्ट यू ट्रस्ट यू ट्रस्ट यू विल कीप ऑन विनिंग। हम विनिंग टीम में रहना चाहते हैं, हरावट टीम वही है, अपना तरफ से कोशिश करेगा, बोलते अपना पर भरोसा रखने वाला श्रापित है, यरमिया 17 में बोल रहे, अपना धर्मता को करो, अच्छे काम करो, प्रेम से रहो, दूसरे को माफी करो, ये सब जरूरी है, लेकिन ये कैसे हो पाएंगे, उसके धार्मिकता को लेकर के, उसका जीवन को लेकर के, उसका अनुग्रह को लेकर के जीवन में राज्य करना। यू आर क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स, नॉट बाय गुड वर्क्स। देखो कोई कोई शब्द है बाइबल स्टडी में, आपको ये नहीं सोचना पास्टर जी क्यों ये शब्दों के इतना ध्यान दे रहे, शब्द से मेन मीनिंग बदल जाता है। बाई गुड वर्क्स बोलने से पूरा मीनिंग उल्टा खराब हो जाएगा पूरा, बाई नहीं है फॉर, समझ में आ गए, पहले पाप में मर गए, अभी पाप के लिए आई वॉज डेड इन सिन, नाउ आई एम डेड टू सिन, कितनी फर्क है। इसलिए बाइबल स्टडी में ऐसे लोग बराबर कर में ध्यान से देखना, एक एक वचन को समझना, आई वॉज नॉट रिड्यूम्ड बाई माई गुड वर्क्स। एफिशिएंस 2:10 पढ़िएगा, 2:8 हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, 2:10 में लिखा है यीशु मसीह में, वो भी यीशु मसीह में, एफिशिएंस 2:10 तैयार किया, देखो तैयार किया, अभी एक आवास में ये बनाने के लिए, इच्छापुर में बनाने के लिए, पॉल में बनाने के लिए, मेरे अंदर कोई पता नहीं था मैं करूंगा, परमेश्वर ने पहले से तैयार, तो लिख रहे हैं हम उसकी कारीगर है, मतलब कारीगरी, वो कारीगर है, हम कारीगरी, वी आर वर्कमैनशिप, लाइक माइकल एंजेलो, क्या किया उसने, मास्टरपीस किया ना उसने, बड़े बड़े चित्र, पुतला भी बनाया, स्कल्पचर्स भी करते हैं, नहीं ये भी ड्राइंग भी करते हैं, ओके, तो पुतला भी बनाया। देखो उसका हाथ लग जाने से कलाकार आदमी है, एकदम जीवन आ जाता है उसमें, कुछ ना ऐसे ही लग रहा है, लेकिन उसके हाथ वहां लगने से एक मनुष्य का इतना ताकत है। तो परमेश्वर ने हमको बनाई और लिख रहे हैं भले काम के लिए, भले काम से नहीं, भले काम के लिए, बोलिए भले काम से नहीं, भले काम के लिए, काम के लिए। तो सल्वेशन कैसे हुआ, बाई गुड वर्क्स और फॉर गुड वर्क्स, किसके वजह से हुआ, बाई ग्रेस थ्रू फेथ, ये भी समझना चाहिए, बाई ग्रेस थ्रू फेथ, बाई इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द केबल, दिस फैन इज, समझ में आ गए, बाई करंट बिजली आ रहा है उसके वजह से, तार के माध्यम से लाइट जल रहा है,
पैन गुमराह है. बाय थ्रू, बाय ग्रेस थ्रू फेथ, अनुग्रह की वजह से, विश्वास के द्वारा. लेकिन वहां पर गुड वर्क्स का उस वेरिएबल उसमें नहीं है. उस इक्वेशन में गुड वर्क्स डाल दोगे सब सत्यनाश हो जाए. उसमें फिर कॉन्सेंट्रेट करने लगोगे कि अरे कितना करना पड़ेगा, अरे वो लोग इतना किया हमको तो थोड़ा कम पड़ेगा. गुड वर्क्स का इक्वेशन वहां नहीं है. गुड वर्क्स बाद में आते हैं. सल्वेशन मिलने के कारण आपके अंदर नया सृष्टि आ गया. पाप कर नहीं पाओगे, पाप करना नहीं चाहोगे. आपके अंदर भलाई काम करने के लिए उत्सुक हो जाता है. प्रार्थना करने के लिए मन अपने आप से आ जाता है, धून आ जाता है. और अभी जो धून है पहले वाला नहीं है. पहले वाला धून शारीरिक धून है, ये आत्मिक धून है. प्रार्थना करने में मजा आता है, सुसमाचार बताने में मजा आता है. अभी ये कल वेंटर सिस्टर का मैं सुन रहा था, हमारा तमिलनाडु में एक साधु चल्लप्पा करके है, अभी भी है. हम लोग उसका प्रचार काफी सुने थे. वो बहुत बुजुर्ग होंगे, अभी 90 के आसपास होंगे. उसके मन में हमेशा ये था, रोज रोज उसका डेडिकेशन है किसी एक को भी कम से कम सुसमाचार सुनाना रोज. एक दिन ऐसे बाइबल पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने बोला जाके रोड पे जाके प्रचार करना है. बोला रात हो गया प्रभु जी, अभी कोई रोड पे आए नहीं, पेट का नीचे जाके प्रचार करो. तो यहां जाके वो हमेशा उसका स्टाइल है, मन फिर रहा हो, प्रभु प्रेम कर रहे, प्रभु बुला रहे, चिल्ला रहा था. पेट के ऊपर से एक आदमी गिर गया. बोला मैं यीशु मसीह को मैं मान लेता, मैं आत्महत्या करने के लिए रस्सी वगैरह लेकर आया था, लेकिन आपने जब बोले मैं नीचे. यही है, ऐसा नहीं कोई उसको जबरदस्त नहीं कि अपने आप से आता है, अपने आप से नदी बहता है, वाल खुलता है, अंदर भरा रहेंगे है कि नहीं, कहीं भी टकराएंगे तो भी खुशबू आए, कोई भी हमारे ऊपर आके टक्कर मारेंगे हमारे अंदर से बदबू कभी नहीं आएगा. हमेशा वही जीवन की खुशबू फैलाते हैं, वही बता रहे हैं. दूसरा कुरिन्थी 2 में जयवंत के उत्सव में ले जाते हमारा द्वारा जीवन के खुशबू फैलाते हैं. जीवन का खुशबू अंदर है तो जीवन की खुशबू जरूर. ये अनुग्रह से मिलता है मेरे भाई लोग बहन लोग. तो हमेशा परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास आए, मिरेकल्स होगा, इसी में से मिरेकल्स होते हैं. ऐसी बातों को मानने वाला, ऐसे प्रचार करने वालों हीलिंग मिरेकल ज्यादा होता है. मैंने देख लिया, जो लोग लीगलिज्म को प्रीच कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, मिरेकल्स वगैरह अभी नहीं होंगे पुराना जमाने, क्योंकि उनका फेलियर को कवर अप करेंगे. बोलेंगे प्रभु जी अभी कुछ नहीं, क्योंकि मैं नहीं कर रहा इसलिए प्रभु. कितना बेवकूफी है भाई, तुम नहीं कर रहे मिरेकल जिसके लिए प्रभु ही को नहीं करेंगे, तुम ही भगवान हो क्या? गलत है ये सब. और वही लोग अनुग्रह का प्रीचिंग इतना विरोध करेंगे, बोलेंगे अनुग्रह का कर, बोल बोल के लोग पाप में जा रहे हैं. बताओ जो भी सच्चाई रीति से अनुग्रह को मानने वाला, क्योंकि लिख रहे अनुग्रह का आदि रहोगे रोमी 6:14 में, पाप के ऊपर आपका प्रभुता रहेगी, पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएंगे. अनुग्रह का सामर्थ्य बढ़ा रहेगा पापों के सामर्थ्य से. कभी नहीं सोचना अनुग्रह दे देंगे लोग पाप करेंगे, नहीं, अनुग्रह मिलेगा पापों के ऊपर जय पाने के लिए सामर्थ्य रहेगा. अनुग्रह नहीं देंगे लोग अपना कोशिश करके करके पाप में तो पड़ा रहेंगे, लेकिन दिखावटी धर्म दिखा देंगे, हिपोक्रेसी, ढोंगी, कपट, पखंडी हो जाएंगे, कपटी जीवन बिताएंगे, दो रंग का जीवन होंगी कलीसिया में एक बाहर में, क्योंकि अपना कोशिश से हरावट पा रहे हैं और सबके सामने बताना नहीं चाहेंगे कि मैं हार गया हूं. अनुग्रह के लिए देखो यही जरूरी, अनुग्रह कैसे मिलता है मालूम है, नम्रता से मिलता. नम्रता क्या है, मेरे से नहीं होगा प्रभु, मैं हार गया, मैं तोड़ गया, मैंने तोड़ दिया, मेरे जीवन को बर्बाद कर दिए, आपका अनुग्रह है काफी है. मेरा कितना भी हरावट, कितने भी बार भी मैं फेल हो गया होगा, लेकिन आपका अनुग्रह सबके ऊपर प्रभाव डालेगा, प्रबल होगा, अनुग्रह प्रबल होगा. कवच कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह जरूर प्रबल. अनुग्रह को भरोसा रखो, उस धार्मिकता के आधार पर जाओ, नम्रता से रहो. 50 वर्ष क्रिस्ती क्यों न हो, 100 वर्ष का क्रिस्ती क्यों न हो,
हमेशा हमारा एक्सेप्टेंस, हमारा जो अनुग्रह स्वीकार हुआ किया जाता है परमेश्वर पिता में अपना लेते हैं यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गई। यीशु मसीह में लिख रहे हैं भले काम करने के लिए, यीशु मसीह में, वो भी यीशु मसीह में करेंगे, वो भी पिता की इच्छा से करेंगे। सारे भलाई काम बहुत सारे होंगे, सब में हाथ लगाएंगे, सब में फेल हो जाएंगे, जो हमारे लिए तैयार किए हैं उसी को हम करेंगे, सक्सेस को पाएंगे। आज सक्सेस का फॉर्मूला ये है, ग्रेस चाहिए और परमेश्वर की धार्मिकता, जीवन आपके लिए फ्रीली दिया जा रहा, आप उसको ले लीजिए, अपना धार्मिकता को साबित मत कीजिए। लोगों को माफी क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि माफी मानते ही नहीं, पापों को मानेंगे ही नहीं, मैंने नहीं किया, पढ़ाए रहेंगे। एक माफी मांगने से जीवन कितना बदल दिया था। हमारे इसमें भी कुछ लोग भागा चला गए, हमने तो नहीं भगाया, क्यों? माफी नहीं मांगना चाहते, अपना पापों को मानना नहीं चाहते। प्रभु कृपा दे ऐसे लोगों, हम लोग भी बड़े हैं, हम लोग भी छोटे लोग हैं, हम भी अनुग्रह से हम कड़े हैं। पौलुस बोल रहे तुम दूसरे के प्रति कमेंट न करना, तुम अनुग्रह से तुम भी कड़े हो, ऐसा ना हो तुम भी ना, हमेशा फ्रेश रखो। दाऊद बोलता है तेरे अनुग्रह से मैं हमेशा हरा भरा। एक भजन संहिता में 52 में पढ़ोगे घर पे जाके, और ऐसे एक परिस्थिति में लिखा था उसने, बहुत टूट गया था वो, मालूम है शाऊल ने क्या किया, काफी याजक लोगों को मार डाल दिया, और उसमें दाऊद का गलती नहीं है, लेकिन दाऊद का सपोर्ट किया वो लोग, इसलिए शाऊल ने मारा, दाऊद बहुत टूट गया। बोलते मैं तेरे भवन में एक हरा भरा खजूर पेड़, मैं तेरा अनुग्रह के भरोसा में रहता हूं। मालूम है राजा था वो, पद था, अथॉरिटी था, लेकिन देश के लिए कुछ भी बड़ा ही नहीं किया, दाऊद को मारने के पड़ा रह गए। लेकिन दाऊद भले राजा नहीं, भले पद नहीं, लेकिन अनुग्रह था, इसलिए चुपके से भी देश को बचाने के लिए मेहनत तो जितना हो सके उसने किया। जिसके अंदर अनुग्रह है उसको बंद नहीं पाओगे, उसको चुप नहीं करा पाओगे। इवन पौलुस का भी हम पढ़ रहे हैं गवाही, जब पहला अध्याय में बोल रहे थे मैंने दूसरे लोगों से नहीं सीधा प्रभु से मुझे प्रकाशन मिल गए, प्रभु गवाही है। बाद में दूसरा अध्याय में बोल रहे हैं जब पतरस, याकूब, कलीसिया की कंबा जैसे लोग हैं, जब वो लोगों ने देखा मेरे अंदर अनुग्रह को देखा, वो लोग राइट हैंड फेलोशिप मेरे को देना ही पड़ा, उनको भले जूनियर है, अनुग्रह आपके अंदर आएगा कोई आपको साइडलाइन कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो भी हमारे लिए भलाई होगा। मैं तो ये सोच रहा हूं प्रभु जी जैसे दाऊद जैसे आपका भवन में हरा भरा अनुग्रह से हरा भरा एक पेड़ में लगाऊंगा, मेरे अंदर फल हमेशा कहीं भी रहेंगे। अनुग्रह के भरोसा में रहने वाला गुलाम भी रहेगा, यूसुफ जैसे जेल में भी रहेगा, वहां पर भी फलवंत, यूसुफ के बारे में लिख रहे फलदायक डाली है, दाखलता है, उसको तीर मारा उसके ऊपर, लेकिन परम प्रधान की छाया में वो तीरों को बुझा दिया, उसको राजा बनने तक उसको सुरक्षित रख। आज मेरे बच्चे लोग आपका जीवन में अनुग्रह छाया करें, कोई भी दोष लगाने वाले शैतान की तीरों को बुझाने के लिए डोंट ट्राई टू आर्ग्यू, हाँ नहीं नहीं मैंने आज सुबह इतना प्रार्थना कर लिया इसलिए प्रभु जी शायद माफी कर दिए होंगे, शायद वाला छोड़ दो, पक्का वाला में आ जाओ, यीशु के बलिदान के द्वारा पिता ने मुझे माफ है कर दिया। शैतान के तीरों को बुझाने के लिए अक्यूसेशन ऑफ द एनिमी, दिस इज द ओनली वैलिड ग्राउंड, यही आपके हाथ में सबूत है मेरे पाप क्षमा हुए, दैट विल गिव रेस्क्यू ऑफ आपकी आत्मा की शांति देने वाले, ऐसा नहीं पापों की एनकरेज नहीं करेगा, आपके मनों को निर्दोष बनाएगा, आपका स्लेट क्लीन रहेगा, पापों के प्रति आपका मन नहीं जाएगा, पापों के सोचते रहेंगे जरूर पाप में जाते रहेंगे,
जिस दिन निर्दोष समझ लेंगे अपने आप को धर्मी ठहराए, धर्मी समझ लेंगे मैं पापों के लिए मर गया धार्मिकता के लिए जीवित, पापों के लिए मर गया मैं धार्मिकता के लिए जीवित, मैं पापों के दास था अभी धार्मिकता के दास, मैं पहले शैतान के दास था अभी परमेश्वर का दास, मैं अभी परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का दास, धार्मिकता के दास, मेरे अंदर पवित्रता है, मेरे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता है, मेरे ऊपर अनुग्रह है, इस अनुग्रह है मुझे जयवंत से बढ़कर बनाए। जितना भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, अनुग्रह के भरोसा में जरूर बाहर आओगे। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो प्लीज पहले अटम्प्ट, भले 16 बार अटम्प्ट किए होंगे गजनी महमूद जैसे फेल होते गए, इस बार अनुग्रह के भरोसा में जाइए, सक्सेस जरूर हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह का वचन जरूर हमें आजाद करेगा, आजाद पाप करने के लिए नहीं, पाप नहीं करने के लिए, पापों में रहने के लिए नहीं, पापों से बाहर आने के लिए, निर्दोष रहने के लिए, हमारा स्लेट को क्लीन करने के लिए, हमारा खाता को क्लीन करके यीशु मसीह का धार्मिकता अनुग्रह के लिए याकूब लिख रहा है, परमेश्वर के आधीन हो जाए, नम्र लोगों का अनुग्रह देता, नम्र हो जाए, पापों को मान लो, छोड़ दो, कबूल कर दो, आगे नहीं करोगे, अनुग्रह का सामर्थ्य पापों के सामर्थ्य से बड़ा है, कभी नहीं भूलना इस बातों को। हालेलुया राधुरा खबर बरा बरा ओरा, मेरा बच्चे लोग समझ ले प्रभु जी, अनुग्रह को गलत समझने वाला ना रहे, सही समझ ले, कलीसिया के ऊपर अनुग्रह का ताकत कार्य करें, शैतान की तीरों को बुझाते हैं यीशु के नाम से, लोगों को छुटकारा देते हैं, चंगाई देते हैं, ओरा बारा बारा दूरा बारा 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 अनुग्रह का सामर्थ्य कार्य करें, ओरा बदूरा 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 दरा बारा 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 ओरा बारा 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 बारा। आइए प्रार्थना करें।